नमस्कार दोस्तों, जगुका जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम जिला दर्शन की क्लास में अजमेर जिले की बात कर रहे हैं। हालांकि आज हमारा अजमेर संभाग जो है उसके चारों जिले पूरे हो जाएंगे। अजमेर संभाग में हमारा पहला जिला हमने भीलवाड़ा बताया, बाद में टोंक बताया, बाद में नागौर बताया और आज अजमेर बता रहे हैं। और अजमेर जिले के बाद अजमेर पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अजमेर का जो जिला दर्शन है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये जिला दर्शन काफी उपयोगी होगा, आप इसको लगातार देखते रहिए। शिवांगी नमस्कार, विकास नवारिया गुड मॉर्निंग, कुशी शर्मा गुड मॉर्निंग, बद्री यादव गुड मॉर्निंग, नरेंद्र शर्मा गुड मॉर्निंग, विनोद कुमार मीणा नमस्कार, जितेंद्र मौर्य नमस्कार, रचना शर्मा नमस्कार, सरिता मिटावा गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन। आप, मैं अपेक्षा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कोविड नियमों का पालन करें, बाहर नहीं निकलें, अपना जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए पढ़ाई करते रहें। और एक बार ये न सोचे परीक्षा कब होगी क्या होगी, एक बार केवल पढ़ने पर ध्यान दें। कर्मणे व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही मेरा अधिकार है, फल पर मेरा अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान पर ध्यान देते हुए पढ़े। दूसरी बात, सकारात्मक रखें अपने विचारों को, सकारात्मक, कोई भी नेगेटिविटी दिमाग में न लाएं, नेगेटिविटी किसी के प्रति भी न लाएं, पर छिद्रानवसी नहीं बने, सदैव सकारात्मक रहें, आपको काफी सफलता प्राप्त होगी और ये बुरा समय भी निकल जाएगा और सारा काम आपका सही हो जाएगा। तो सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपिका भाकोलिया, लक्ष्मीकांत मीणा, सरिता मिटावा, बद्री यादव, मयूरी मीणा, ओम प्रकाश, जे आर अपिशिता, सभी को नमस्कार। अब मैं लास्ट में 10 मिनट आपसे बात करूंगा, अब मैं शुरू कर रहा हूं, आप तैयार चलिए। सबसे पहले हम जिला दर्शन शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले मैप के माध्यम से जिले की लोकेशन दिखाते हैं। तो ये जिले की लोकेशन है, ये बीच में अजमेर है, अजमेर ये आपको दिखाई दे रहा है, अजमेर बीच में है, ये रहा अजमेर, अजमेर ये जा रहा है, इसके इस साइड में नागौर है और इस साइड में जयपुर है। नागौर और जयपुर दोनों उत्तर की साइड में, देखिये एक तो उत्तर की साइड में और उत्तर पश्चिम की साइड में टच हो रहा है। नागौर तो उत्तर और उत्तर पश्चिम की साइड में टच हो रहा है, ठीक है। और जयपुर आपका पूर्व की साइड में टच हो रहा है, उत्तर पूर्व की ओर टच हो रहा है, ठीक है। नागौर और जयपुर, बाद में अजमेर के पूर्व साइड में, एकदम पूर्व साइड में टोंक है, बाद में दक्षिण साइड में टोटली भीलवाड़ा है। अब ये थोड़ा सा राजसमंद देखो, यहां पर टच हो रहा है, राजसमंद बिल्कुल टच हो रहा है, राजसमंद देख लीजिए, थोड़ा सा राजसमंद भी क्या हो रहा है, टच हो रहा है, और राजसमंद आपका बीच में टच हो रहा है। उसके बाद ये अजमेर टच हो रहा है दक्षिण पश्चिम में, सॉरी पाली टच हो रहा है, कौन सा हो रहा है, पाली, और इधर आपका नागौर बताई दिया। तो देखिए दोस्तों, ऊपर की साइड में उत्तर की साइड में नागौर और जयपुर, पूर्व की साइड में आपके देखे तो टोंक है, इधर आपका कौन सा भीलवाड़ा है, इधर थोड़ा सा राजसमंद भी है और पाली है, कौन सा है, पाली है। ये आपके अजमेर के साइड में टच हो रहे हैं। तो अजमेर की लोकेशन देख लीजिए, अजमेर मध्यवर्ती जिला है, मध्यवर्ती, इसीलिए राजस्थान का हृदय स्थल इसको बोलते हैं, राजस्थान का क्या बोलते हैं, हृदय स्थल बोलते हैं इसको, अजमेर को। तो एक तो अजमेर के बारे में ये पोजीशन आपको दिखा दी। अब अजमेर का वही अपना रोजाना पढ़ते हैं उसी प्रकार से आइए। अजमेर पहले ऐतिहासिक नहीं पढ़ रहे, पहले ज्योग्राफिकल बताएंगे आपको, तो ज्योग्राफिकल बात हम सबसे पहले करेंगे। ये देखिए ज्योग्राफिकल पोजीशन, अजमेर की ज्योग्राफिकल पोजीशन आ जाइए, आपके सामने दिख रही है, एक बार आ जाइए पूरा देखिए, यह है ज्योग्राफी, अजमेर की ज्योग्राफिकल पोजीशन में यह अजमेर जिला आपको दिखा रखा है। अजमेर के देखो इस साइड में मैंने नागौर दिखाया, नागौर उत्तर में, इस साइड में आपका उत्तर पश्चिम में नागौर दिखाया, इधर उत्तर पूर्व में जयपुर दिखाया, इधर आपको टोंक पूर्व में दिखाया, दक्षिण में भीलवाड़ा दिखाया, ये थोड़ा सा राजसमंद टच कर रहा है और ये पाली टच कर रहा है। तो आपको अभी अभी मैंने बताया, तो अब मैं लोकेशन बता रहा हूं, उत्तर पूर्व में जयपुर है, देखिए उत्तर पूर्व में जयपुर आ गया, उत्तर में आपका टोटल क्या है, नागौर है, पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है पाली है, पश्चिम में कौन सा है, पाली, उत्तर पश्चिम में आपका राजसमंद है, सॉरी दक्षिण पश्चिम, थोड़ा सा चेंज है, ये देखो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा है, राजसमंद है, दक्षिण पश्चिम में कौन सा आ गया, राजसमंद, तो उत्तर काट दीजिए,
दक्षिण पश्चिम में आपका राजसमंद है, दक्षिण पश्चिम में क्या हो गया, राजसमंद हो गया, और दक्षिण में आपको दिख ही रहा है भीलवाड़ा, और पूर्व में आपको क्या दिख रहा है, टोंक। टोंक इस प्रकार से टोटल जिले कितने हो गए, 6। तो लोकेशन बिल्कुल आप देख लीजिए, आप खुद मिलान कर लीजिए। ये आपका अजमेर है, अजमेर के उत्तर में नागौर है, उत्तर पूर्व में जयपुर है, इधर पूर्व साइड में टोंक है, दक्षिण में इधर भीलवाड़ा है, और दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा है, राजसमंद है, और पश्चिम में आपका पाली है। ये आपके 6 जिले इसके साथ टच कर रहे हैं। कितने जिले टच कर रहे हैं, 6। 6 जिले टच कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे आपको 6 जिले बता दिए, ये आपकी लोकेशन हो गई, स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार। अरे योगेश, ये हो गई लोकेशन और विस्तार हो गई, बिल्कुल क्लियर है आपका, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। इसको राजस्थान की हृदय स्थली, इसमें करेक्शन कर, देख देख ये देख, इधर देख, दक्षिण पश्चिम आएगा, उत्तर पश्चिम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए राजस्थान की हृदय स्थली बोलते हैं इसको, राजस्थान की हृदय स्थली के नाम से इसको जाना जाता है, राजस्थान की हृदय स्थली के नाम से इसको जाना जाता है, राजस्थान की हृदय स्थली को इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला लोकेशन आपको बता दिया। अब आइए आपको दूसरा, अब देखिए इस अजमेर का क्षेत्रफल 8481 वर्ग किलोमीटर है, 8481 वर्ग किलोमीटर किसका है, अजमेर का क्षेत्रफल है। वाहन पंजीकरण नंबर RJ1 है, RJ1 अजमेर के नाम से ए हो गया, अजमेर के नाम से क्या हो गया, ए, ए, ए अजमेर के नाम से हो गया, बिल्कुल क्लियर है, ए, और अजमेर के नाम से ए हो गया। वन्य जीव लोगो इसका खड़मोर है, कौन सा, खड़मोर, खड़मोर, बिल्कुल क्लियर है, खड़मोर इसका वन्य जीव लोगो है। नदियां, नदियां देखिए, नदियां इसकी लूणी है, लूणी, डाई और बनास, लूणी, डाई और कौन सी है, बनास, लूणी, डाई और कौन सी है, बनास। मैं वापस बोल रहा हूं, क्षेत्रफल 8481 वर्ग किलोमीटर है, वाहन का पंजीकरण RJ1 है, RJ1 समझ गए, और वन्य जीव लोगो है खड़मोर, 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 और नदियां लूणी है, डाई है और बनास है, बनास गुजरती है, तो बनास वो तो है, एक मेन नदी होगी लूणी। बांध और झील बोले तो आना सागर झील है, भाई सागर झील है, पुष्कर झील है, और एक नारायण सागर बांध है। अभ्यारण्य के परिप्रेक्ष्य में बोले तो रावली टाडगढ़ अभ्यारण्य। तो देखिए एक बार वापस एक बार देख लीजिए, क्षेत्रफल 8481 बताया, वाहन पंजीकरण नंबर RJ1 बताया, वन्य जीव खड़मोर बताया, नदियां लूणी, डाई और बनास बताई, और बांध आना सागर झील है, वो आना सागर झील, फाय सागर झील और पुष्कर झील, और बांध है वो नारायण सागर बांध, और रावली टाडगढ़ अभ्यारण्य। ये टोटल आपकी बात पूरी बता दी दोस्तों। अब आइए मिट्टी, मिट्टी यहां की धूसर और शिरोजम है, धूसर और कौन सी मिट्टी है, शिरोजम, धूसर और शिरोजम क्या है, मिट्टी है, ठीक है। कृषि उत्पाद में अगर बात करें तो ज्वार, ज्वार उत्पादन में राजस्थान में पहला स्थान है, किसका, ज्वार, ज्वार के उत्पादन में पहला स्थान है अजमेर का, अजमेर का ज्वार उत्पादन में क्या है, पहला स्थान। एक गुलाब के फूल और फूलों की खेती में भी पहला स्थान है। खनिज के उत्पादन में आए तो फेल्सपार, फेल्सपार मकरेरा खान, एकमात्र मकरेरा खान अजमेर में मिलता है, मकरेरा खान कहां पर है, अजमेर, वहां पर फेल्सपार मिलता है, फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, फेल्सपार मकरेरा खान। आपको पता है फल्लोस्पार, वो हमने बताया था डूंगरपुर में मांडू की पाल, लेकिन फेल्सपार आपको मिलता है मकरेरा खान। थोरियम, थोरियम बांदर सिंदरी, यूरेनियम मतलब ये परमाणु खनिज का उत्पाद है, बांदर सिंदरी थोरियम। सोना, सोना वैसे बांसवाड़ा में, जगपुरा, जगपुरा बांसवाड़ा जो है, आनंदपुर भूकिया और जगपुरा बांसवाड़ा में सोना मिलता है, लेकिन सोने के अभी नवीन खोज रिछमालिया नामक स्थान पर हुई है, किसमें, रिछमालिया, रिछमालिया, और मुर्गी पालन में पहला स्थान है, और यहां की जो प्रसिद्ध नस्ल है गाय की, वो गाय की नस्ल है गिर या रेंडा, गिर या रेंडा, गिर रेंडा जो गुजरात की मूलतः नस्ल है, ये इस क्षेत्र की नस्ल है गाय की, गाय की। बोलो मुर्गी पालन में पहला स्थान किसका, अजमेर, अजमेर का, अजमेर संभाग में कौन सी गाय की नस्ल है, तो गिर या रेंडा। सोना आनंदपुर भूकिया में और जगपुरा बांसवाड़ा में होता है, लेकिन यहां पर भी खोज की गई है रिछमालिया में, कहां पर, रिछमालिया। थोरियम, थोरियम बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी में होता है, परमाणु खनिज है,
और फेल्सपार मकरेरा खान में, इसके अलावा कृषि उत्पाद में ज्वार और कौन सा है फूल, और मिट्टी यहां की कौन सी है धूसर और शिरोजम। ये दोस्तों यहां की पोजीशन को आप देख सकते हैं, यहां की टोटल पोजीशन आ गई है उसको आप देख सकते हैं। अब आपको उसी प्रकार से, अब पहली नदी कौन सी आई थी, लूनी। अब लूनी नदी देखिए जिस प्रकार से, मतलब राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बनास है, बनास के बाद पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी और जो नदी है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूनी। लूनी, अब लूनी के बारे में मैं पूरा बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान दे लीजिए। लूनी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ आना सागर अजमेर में, आना सागर अजमेर, मतलब नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है, नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है, जब इसका नाम सागरमती होता है, कौन सा, सागरमती। गोविंदगढ़ के निकट आती है, गोविंदगढ़ के क्या आती है, निकट, तो पुष्कर से आने वाली एक सरस्वती नदी मिलने के बाद यह लूनी हो जाती है। पहले नाम इसका कौन सा है बोलो, सागरमती। सागरमती किस रूप में निकलती है, नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ से सागरमती के रूप में निकलती है। गोविंदगढ़ के बाद पुष्कर से एक नदी आती है सरस्वती, वो इसमें मिलती है, तब आप सरस्वती से मिलकर के ये क्या बन जाती है, लूनी। 495 किलोमीटर है और 10.40% क्षेत्र है, 10.40% क्या है, क्षेत्र। अब देखिए जिले वाइज आपको देख सकते हैं, अजमेर में है ये नदी, अजमेर के नागपाड़ से निकली, बाद में नागौर में गई, बाद में पाली में आई, बाद में जोधपुर, बाद में जालौर और बाद में बालोतरा बाड़मेर में पानी इसका क्या होता है, खारा, पानी खारा हो जाता है, पहले इसका पानी क्या होता है, मीठा, और कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त। तो एक बार वापस देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, तो अजमेर आता है, नागौर आता है, पाली आता है, जोधपुर आता है, जालौर आता है, और बालोतरा बाड़मेर तक पानी मीठा होता है, बाद में पानी क्या हो जाता है, खारा, और कच्छ के रण में आकर के ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये नदी आपकी कौन सी है, लूनी, कौन सी, लूनी। अब है लूनी की सहायक नदियां, अब लूनी और लूनी की सहायक नदियों का जो समूह है उसको लूनी बेसिन बोलते हैं, लूनी बेसिन। अब लूनी बेसिन में 11 जिले आते हैं, देखो अजमेर तो आएगा ही आएगा क्योंकि अजमेर में लूनी का उद्गम स्थल है, बाद में नागौर आएगा, बाद में पाली में गई नदी, बाद में जोधपुर में गई, जोधपुर के बाद जालौर में गई, बाड़मेर, इतना तो आएगा ही आएगा। बाकी इसकी सहायक नदियों का प्रभाव भीलवाड़ा में, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और जैसलमेर तक है। तो ये 11 जिलों में लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन है, बिल्कुल क्लियर है क्या, लूनी बेसिन, ठीक है। अब आया जवाई, जोजड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जवाई, सबसे बड़ी सहायक नदी है जवाई, जवाई, जोजड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, ये ध्यान रखना, एक बांडी, सागी, गुया और खारी, ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। मैंने वापस बोला जवाई सबसे बड़ी नदी है, जोजड़ी, सूकड़ी, मीखड़ी, अड़ी अड़ी नाम आता है वो सारी इसकी सहायक नदियां हैं, बांडी, सागी, गुया और खारी इसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो ये दोस्तों लूनी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा आ गया। जीआरएफ सीता शर्मा पूछ रही है सर क्या काम है पानी खारा होने का, क्या कारण है, तो आपको खुद को पता है बाड़मेर में पचपदरा झील है, ये खारे पानी की झीलें हैं, तो वहां पर झीलों का मतलब लवणीय मिट्टी होने के कारण ही इसका पानी क्या हो जाता है, खारा, ठीक है। अब आइए तो ये, अब आती है डाई नदी, एक डाई नदी जिसका उद्गम स्थल नसीराबाद से है, नसीराबाद कहां पर, अजमेर, अजमेर, और एक टोंक आती है, नसीराबाद से टोंक आती है, बाद में बिशलपुर बनास में मिल जाती है, बिशलपुर बनास में मिल जाती है, ठीक है। एक बात इसकी और खास बात ध्यान दीजिए, डाई नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, नसीराबाद अजमेर, नसीराबाद अजमेर, टोंक, बाद में टोंक और बाद में बिशलपुर में बनास में मिल जाती है। बनास आपको पता ही है, अपन ने पढ़ाई है बनास का मुख्य एरिया, तो डाई, बनास और कौन सी होगी, लूनी। अब है आपको एक चीज और बता दूं, उत्तर मतलब राजस्थान की लोक स्थिति देखें, राजस्थान की स्थिति देखें, ध्यान दीजिएगा, तो स्थिति देखें तो ये मध्य से क्या पश्चिम की ओर झुका हुआ है, मध्य से पश्चिम की ओर झुका हुआ है राजस्थान, मध्य से पश्चिम की ओर झुका हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ये नदी मध्य से निकलती है और पश्चिम की ओर झुकता है, तो ये बाड़मेर वगैरह पश्चिम में आ गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर पुष्कर की पहाड़ियों में बरसात होती है, पुष्कर की पहाड़ियों में बरसात होती है तो बाढ़ कहां पर आती है, तो बाढ़ ऑटोमेटिक बालोतरा, बाड़मेर और जालौर साइड में बाढ़ आएगी, क्योंकि पश्चिम की ओर ये क्या है, झुका हुआ है, कौन सा, झुका हुआ, तो उस साइड में बाढ़ आएगी, तो क्या पुष्कर की पहाड़ियों में बरसात होगी तो उसका प्रभाव वहां पर पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर है। अब ये कौन सी होगी नदी, तीन बताई थी, एक तो बनास, एक ढाई,
तो बनास तो आप जानते ही हो, बनास के बारे में हमने क्या बताया था बोलो, बनास का उद्गम स्थल खमनोर, खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है, राजसमंद, राजसमंद से वो नाथद्वारा रेल बगरा राजसमंद में आई, बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम हुआ, बाद में अजमेर आई, अजमेर आई, अजमेर आ गई और अजमेर के बाद टोंक, टोंक में आपका बिशलपुर बांध, बाद में आपका स्वाईमाधोपुर गई और स्वाईमाधोपुर में आपको बताया रामेश्वर नामक स्थान में वो चंबल में मिल गई। ये तो बात हुई थी बनास के। डाई नदी का उद्गम स्थल नसीराबाद है, वो टोंक में गई, टोंक में बिशलपुर बांध है, वहां पर किस में मिल गई, बनास में मिल गई, तो ये डाई नदी हो गई। और एक आपकी कौन सी होगी, लूणी नदी, कौन सी, लूणी। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा इसका समझ सकते हैं। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। अभी आपका आगे देखे झीले, झीले, झीलों के बारे में आप बात आ जाइए। एक बार मैं बात करूं दो मिनट के लिए, परशुराम महावर सर न्यू आर्थिक समीक्षा सब करेंगे, आप एक बार ये तो पढ़ लो, ये तो पूरा करो, पूरा राजस्थान है इसमें, सब चीजें शुरू होंगी लेकिन एक दिन में सब शुरू नहीं होंगी। परशुराम महावर सब मैं सब चीजें करूंगा लेकिन ये कम से कम ये भी करोगे तो एक दिन पूरा लगता है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा एक एक चीज तो संभालो, इसमें सब कुछ आ रहा है। अब देखिएगा जिले आ जाइए, जिले पुष्कर झील, इस पहली झील कौन सी आ रही है, पुष्कर झील, पुष्कर झील यहाँ की प्राकृतिक झील है, नेचुरल झील है, राजस्थान की सबसे पुरानी नेचुरल झील है, अजमेर में है। किंवदंती के अनुसार बताते हैं कि इसका निर्माता कौन था, ब्रह्मा जी। पुष्कर में, पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कब लगता है, कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, बिल्कुल क्लियर है क्या, कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, ठीक है। और यह आपका पुष्कर का मेला लगता है, यहां पर पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री मतलब ब्रह्मा जी का परिवार है, ब्रह्मा जी मंदिर है, सावित्री मंदिर है, गायत्री मंदिर है, वराह मंदिर है जो अर्णोराज अन्ना जी ने बनाया था, और रंगजी का मंदिर है जिसको रमा बेकुंठ मंदिर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रंगजी विष्णु का अवतार था, विष्णु की पत्नी कौन है, लक्ष्मी, लक्ष्मी का दूसरा नाम कौन सा, रमा, तो रमा बेकुंठ मंदिर भी बोलते हैं। यहां पर श्रावण भादो में हिंडलोत्सव महोत्सव होता है, कौन सा महोत्सव होता है, हिंडलोत्सव, मतलब झूले झुलाए जाते हैं, झूले मतलब देवताओं को झूले झुलाए जाते हैं, आपको खुद को पता है कि श्रावण और भादो में हमारे झूले झुलाते हैं, उसी प्रकार से हिंडलोत्सव महोत्सव होता है। और पांडुबेरी है यहां पे, कौन सा है, पांडुबेरी, पांडवों ने मतलब अर्जुन ने अपना यहां पे गांडीव धनुष छिपाया था, इसलिए यह स्थान फेमस है, पांडुबेरी, पांडुबेरी। तो देखो पुष्कर में कौन कौन सा स्थान आ गया, पांडुबेरी, पांडुबेरी में अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष छिपाया था, ठीक है, वो स्थान पांडुबेरी। रंगजी मंदिर, रंगजी कौन है, विष्णु का अवतार है, इसी मंदिर को कौन सा मंदिर बोलते हैं, रमा बेकुंठ मंदिर बोलते हैं। यहां के हिंडलोत्सव क्या है, फेमस है, श्रावण भादो में होते हैं। आ गया वराह मंदिर, वराह मंदिर यहां पर है, अर्णोराज अन्ना जी ने बनाया था, गायत्री मंदिर है, सावित्री मंदिर है और ब्रह्मा जी का मंदिर है, बिल्कुल क्लियर है, ये मंदिर है। और आपको बताया था मैंने ब्रह्मा जी के अन्य मंदिर, आपको आशोत्रा बाड़ में छिंछ सिरोही, छिंछ कहां पर हो गया, कुसमा सिरोही और छिंछ बांसवाड़ा में भी बताया था, ठीक है। तो ये दोस्तों पुष्कर झील और पुष्कर मेले के बारे में बात आ रही है। अब अन्ना सागर झील के बारे में आ जाइए, निर्माता इसका अर्णोराज है जिसको अन्नाजी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अन्नाजी के नाम से जाना जाता है, अन्नाजी अर्णोराज। ये चंद्रा नदी है, कौन सी नदी है, चंद्रा, वहां पर दो पहाड़ियों के बीच एक पाल बनाई गई है, उसमें यह नहर का निर्माण हुआ और बांडी नदी का पानी बीच में आता है। इसी के किनारे दौलतबाग जहांगीर ने बनाया था और बारादरी दरवाजे जो है वो आपके किसने बनाए थे, शाहजहां ने, शाहजहां ने, दौलतबाग किसने बनाया, जहांगीर ने, और बारादरी दरवाजे किसने बनाए, शाहजहां ने, किसने बनाए, शाहजहां ने। तो मैं वापस बोल रहा हूं, अन्ना सागर झील का निर्माता कौन है, अर्णोराज, अर्णोराज को ही अन्ना जी बोलते हैं 1137। और चंद्रा नदी पर दो पहाड़ियों को रोक, दो पहाड़ियों के बीच में पाल बनाकर इसका बनाया था, और इसमें एक तो चंद्रा और एक नई नदी के रूप में कौन सी, बांडी नदी का पानी भी आता है। दौलतबाग जहांगीर ने बनाया, बारादरिया शाहजहां ने बनाई। फाय सागर झील एक और है, फाय सागर, निर्माता अंग्रेज अधिकारी फाय था, अंग्रेज अधिकारी कौन था, फाय, फाय के नाम से फाय सागर बन गई। अकाल रात के दौरान बांडी नदी का पानी रोक करके फाय सागर झील बनाई और इसका पानी भी अंत तक किसमें चला जाता है, अन्ना सागर। देखो फाय सागर का पानी भी अन्ना सागर में चला जाता है, अन्ना सागर है ही, और अन्ना सागर नाग पहाड़ से आपकी लूणी नदी निकलती है, लूणी नदी निकलती है और पुष्कर झील होगी। तो ये दोस्तों यहाँ की झील है। और नारायण सागर बांध है जो जालिया गांव अजमेर में है, खारी नदी पर बनाया गया है, कौन सी नदी पर, खारी नदी पर, जालिया
गांव में बनाया गया, उसका उद्घाटन हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, अब आप इसके साथ एक चीज और जोड़ सकते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना 2001 में हुई, 60-40 का इसका अनुपात है। इसमें 2001 नहीं है, 11 में अब देखिए 60-40 का अनुपात है। इसमें कौन कौन सी झील शामिल है, एक बार आरएस में भी आ गया था, पिछोला और फतेह सागर तो उदयपुर की शामिल है, पुष्कर और अन्ना सागर आपकी अजमेर की शामिल है, और मान सागर मतलब कौन सा जिसपे जल महल बना हुआ है वो जयपुर वाली शामिल है, और नक्की झील आपकी सिरोही वाली शामिल है। नक्की झील कौन सी है, सिरोही वाली शामिल है। तो ये दोस्तों झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत झीलें हैं, तो इसमें पुष्कर और अन्ना सागर झीलें भी शामिल है, पुष्कर और कौन सी अन्ना सागर झील भी शामिल है। ठीक है, तो पिछोला और फतेह सागर तो कहां की होगी, उदयपुर वाली, मान सागर कौन सी होगी, जयपुर वाली, नक्की झील आपकी कौन सी होगी, सिरोही वाली, ये झील संरक्षण परियोजना में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, देखो नागौर में सारी खारे पानी की झीलें बताई थी आपको, और इसमें आपकी ये झीलें पुष्कर झील आ गई, अन्ना सागर झील आ गई, फाय सागर झील आ गई, और आपका कौन सा नारायण सागर बांध आ गया, और राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना आ गई। अब रावली टाटगढ़ अभयारण्य, रावली टाटगढ़ अभयारण्य है, बिल्कुल क्लियर है क्या, ये पूरा का पूरा आ गया। 60-40 का मतलब होता है 60 तो केंद्र सरकार का, 40 राज्य सरकार का। ठीक है, अब आइए रावली टाटगढ़ अभयारण्य कहां पर है, अजमेर पाली राजसमंद में है, अजमेर पाली राजसमंद में फैला हुआ रावली टाटगढ़, रावली टाटगढ़ अजमेर पाली राजसमंद में फैला हुआ है। बगेरा, रीछ, गिद्दड़, जरक आदि इसमें मतलब पशु हैं, मतलब जो वन्य जीव हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके देखिए नदी आ गई, जिले आ गई, और आपका कौन सा आ गया, अभयारण्य आ गया। मैं एक बात बोला थोड़ा सा कहना चाहता हूं, थोड़ी सी सोच को सकारात्मक रखिए, थोड़ी किसी की भी मेहनत को अप्रिशिएट करना सीखो, उसकी नकारात्मकता में मत ले जाओ। ये जो जिला दर्शन मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कोई भी चीज बाकी नहीं बच रही, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं वो 33 जिलों को देखेंगे ना, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन और आपको मैं ये एक घंटे पढ़ाता हूं तो पूरा आपको एक बार तैयार करने में एक दिन लगेगा। आप थोड़ा सा एक चीज से कॉलेज की तैयारी करते हो, चाहे आरएस की तैयारी करते हो, चाहे एसआई की तैयारी करते हो, चाहे कोई सा रीट की तैयारी करते हो, आपको ऐसे सोच के चलना है कि मेरे को एक बार यही चीज पूरी करनी है, तो पूरा का पूरा आपका सही ढंग से तैयार हो जाएगा। लेकिन नकारात्मक ये भी कर लूं, ये नहीं करवाया, वो हो गया, तो कुछ नहीं होगा। एक बार ये सब चीज आपकी काम की है, मैं मेहनत को तो आप नहीं देख रहे कि साहब कितनी मेहनत करके आदमी काम कर रहा है, उस पर क्या क्या चीज ला रहा है, क्या क्या चीजों को सही ढंग से बता रहा है। वो चीजें तो बीच में नहीं लाते, सिर्फ उसकी कमी ढूंढ करके, और सिर्फ ये चीज ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो सब होगा, लेकिन एक बार एक चीज को तो पूरा करो, थोड़ी सी कोशिश तो करो, एक चीज को तो पूरा करने की कोशिश करो, एक साथ सब थोड़ी करोगे। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो एक घंटे क्लास ले रहा हूं, ये दोनों क्लास ले रहा हूं, उसके लिए आपको एक दिन लगता है, थोड़ी पचाओ तो सही। कल मैंने आपको बताया था कौन सा, रविंद्रनाथ टैगोर का कथन, कि पहले पढ़ना, कम पढ़ना लेकिन सोचना ज्यादा, तो पचेगा भी तो सही, थोड़ा पचाओ तो सही। मैटर इकट्ठा करने में, क्लास से देखने से कुछ नहीं होता, ये टोटल आपकी बात है। और मैं तो यही कहूंगा, चीजों को थोड़ा मेहनत करो, किसी को अप्रिशिएट करो कि क्या क्या चीज। अब मैं चाहता तो इस जिले को सोट में कर सकता था, लेकिन मैं, अब देखो मेरी बात को समझिए, नदियां ला रहा हूं, सारी की सारी नदियों का अपवाह तंत्र हो जाएगा, झीले ला रहा हूं, सारी की सारी झीले हो जाएंगी, वन्य जीव अभयारण्य हो जाएंगे, कृषि के उत्पाद हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे, सारी की सारी मानवीय संसाधन हो जाएंगे, बसता क्या है दोस्तों। तो राजस्थान के इसको कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाएगा, कल्चर हो जाएगी। तो थोड़ी सी चीजों को थोड़ा ध्यान रखें, कोशिश को सोचें थोड़ा। मानवीय संसाधन देखिए, लिंग अनुपात 951 है, अब वो राजस्थान वाला रोजाना करते रहो, राजस्थान का लिंग अनुपात 928 है, 928 और तो यहां का 951 हो गया। 0-6 का लिंग अनुपात जो है वो 901 है, राजस्थान का 888 है, राजस्थान का 888। जनघनत्व है, मतलब जनघनत्व है, जनघनत्व आपका कौन सा आ गया, 305, तो राजस्थान का 200 है, राजस्थान का क्या है, 200। साक्षरता की दर 69.3 है, 69 पॉइंट कितनी है, 3, तो राजस्थान की 66.1
बिल्कुल क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात हो गई, वापस जोड़ रहा हूं। साक्षरता की दर है राजस्थान की 66.1 है, तो इसकी गुणोत्तर पॉइंट कितनी है? 3। 69 पॉइंट कितनी है? 3। जनघनत्व राजस्थान का कितना है? 305। राजस्थान का 200, तो इसका अजमेर का कितना है? 305। लिंग अनुपात 0:6 का राजस्थान का 888 है, तो इसका 901 है। लिंग अनुपात राजस्थान का 928 है, तो इसका 951। तो कंपेयर करके सारा का सारा बताया। अब देखिए, पहला साक्षर गांव, साक्षर गांव मसूदा, मसूदा कहां पर है? अजमेर। राजस्थान में पहला साक्षर गांव जो है वो कौन सा है? मसूदा, अजमेर। और पहला पूर्ण साक्षर जिला अजमेर का है, और जिसमें किसका बेटर काम हुआ था? तो कलेक्टर थी उस समय अदिति मेहता, अदिति मेहता। अब देखिए, आपको याद हो तो पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला डूंगरपुर बताया था, पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा बताया था? डूंगरपुर। और वैसे पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर। प्रथम साक्षर गांव मसूदा अजमेर में, पहला ई जिला, ई जिला कहां पर है? अजमेर। मतलब इंडिया के द्वारा भारत में पहला ई जिला कौन सा था? तो पहला ई जिला अजमेर। बोलो क्लियर है क्या? सेनेटरी नेपकिन जो महिलाओं के लिए शुरू हुआ था वो यहां के अजमेर से कलेक्टर कौन थे? गौरव गोयल के द्वारा प्रयास शुरू हुआ था। किसके द्वारा? गौरव गोयल के द्वारा प्रयास हुआ था सेनेटरी नेपकिन का। पहली डेयरी राजस्थान में, पहली डेयरी पद्मा डेयरी थी, वो कहां पर खुली थी? अजमेर। अजमेर पहली डेयरी पद्मा डेयरी थी जो राजस्थान में कहां पर खुली? अजमेर। पहली सहकारी समिति भिनाय अजमेर, पहली ग्राम सेवा सहकारी समिति कहां पर खुली थी? भिनाय अजमेर। पहला कॉल सेंटर कहां पर खुला था? अजमेर। राजस्थान में पहली नगर पालिका तो माउंट आबू है, देखिए, लेकिन नगर परिषद अजमेर है, नगर परिषद कहां पर है? अजमेर। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक वो आपके कहां? 5 है। कितने हैं? 5। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 5। यहां पर 5 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। पहली कपड़ा मिल यहीं पर कृष्णा मिल खुली थी 1889 में, 1889 में पहली कपड़ा मिल ब्यावर में खुली थी, ब्यावर अजमेर में, और दामोदर दास राठी और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा खोली गई थी, पहली कृष्णा मिल, कपड़ा मिल, समझ गए? पहली कपड़ा मिल। जेठाना तापीय संयंत्र यहां पे 600 मेगावाट का एडीबी के सहयोग से बनाया गया, तापीय संयंत्र एडीबी के सहयोग से बनाया गया था। कौन सा? जेठाना। कौन सा है? जेठाना तापीय संयंत्र एडीबी के द्वारा बनाया गया था, एडीबी के द्वारा बनाया गया था तापीय संयंत्र। तो दोस्तों ये टोटल, ये पूरे की पूरी चीज आ जाती है। अब आइए यहां पर और क्या है, तो सिरी सीमेंट का कारखाना ब्यावर में, जो बागड़ समूह का है, राजस्थान में सबसे बड़ा संयंत्र है, कौन सा? सिरी सीमेंट। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना है, एचएमटी, घड़ियों का, घड़ी बनाती थी एचएमटी, चाचियावास अजमेर में है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। सूती वस्त्र मिले हैं सरकारी क्षेत्र की 4, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, ब्यावर में, और विजयनगर मिल कहां पर है? अजमेर में। ये टोटल यहां पर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य में आ गया। पहला साक्षरता साक्षर गांव कौन सा था? मसूदा। मसूदा कहां पर है? अजमेर। पहला पूर्ण साक्षर जिला आपका कौन सा है? अजमेर। पहला पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर। और मैंने बोला यहां की कलेक्टर कौन थी उस समय? अदिति मेहता। पहला ऑनलाइन जिला आपका कौन सा? अजमेर। ई जिला। सेनेटरी नेपकिन की शुरुआत सबसे पहले कौन से जिले से हुई? अजमेर से। किसके प्रयासों से? तो कलेक्टर थे गौरव गोयल। पहली डेयरी आपकी कौन सी थी? पद्मा डेयरी। कौन सी? पद्मा। पद्मा कहां पर है? अजमेर। पहली ग्रामीण ग्राम सेवा सहकारी समिति कहां पर खुली थी? भिनाय। भिनाय अजमेर में 1905 में खुली। पहला कॉल सेंटर कहां पे खुला? अजमेर। और आगे बोले तो सर्वाधिक पहला नगर परिषद आपकी कहां पर खुली? अजमेर। और पहला नगर पालिका माउंट आबू। और सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग 5 गुजरते हैं यहां से। पहली कपड़ा मिल कहां पर खुली? बोलो। पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल, 1889 में ब्यावर में खोली गई, दामोदर दास राठी और श्यामजी कृष्ण वर्मा। और मैंने बोला जेठाना तापीय विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो अजमेर में है, 600 मेगावाट का है, किसके सहयोग से? एडीबी। सूती वस्त्र की सारी सरकारी मिले यहीं पर है, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल ब्यावर में, और विजयनगर मिल अजमेर में।
और सीमेंट का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है? श्री सीमेंट ब्यावर में है, जो बागड़ समूह का है, और ये सबसे बड़ा संयंत्र है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर है? तो एचएमटी चाचियावास केंद्र सरकार का उपक्रम है। ये पूरे के पूरे दोस्तों आपके कौन से हो गए, पूरा का पूरा मानवीय संसाधन और ज्योग्राफिकल संसाधन। अब आप आओगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कौन सा हिस्टोरिकल, किस जिले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको आप बड़े ध्यान से देखोगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए ऐतिहासिक परिपेक्ष क्या कहता है, ऐतिहासिक परिपेक्ष तो आपको बता, सबसे पहले अजमेर को बसाया, अजमेर अजय मेरू के नाम से 1113 में अजयराज चौहान ने बसाया। अजयराज चौहान ने अजमेर को बसाया 1113 में, अजयराज ने अजय मेरू के नाम से अजयराज चौहान ने बसाया। किसने बसाया? अजयराज चौहान ने अजय मेरू के नाम से बसाया, बिल्कुल क्लियर है, हो गया। अब आइए, अजयराज चौहान ने अजमेर को बसाया 1113 में, ठीक है। बाद में अजमेर का पहला राजा कौन था? अजयराज चौहान यानी संस्थापक। और अंतिम शासक गोविंदराज चौहान, अंतिम शासक कौन सा हो गया? गोविंदराज चौहान। यानी अजमेर पे सबसे पहले राज किसका रहा है? गोविंदराज चौहान का, बिल्कुल क्लियर है। सॉरी, सबसे पहले राज किसका रहा है? अजयराज चौहान का। लास्ट राज किसका रहा है? गोविंदराज चौहान। आप जानते होंगे गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान का बेटा था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई हुई, मोहम्मद गोरी के बीच में त्राइन का युद्ध हुआ, फर्स्ट और सेकंड युद्ध, पृथ्वीराज चौहान हार गया। और पृथ्वीराज चौहान हारने से गोविंदराज चौहान को कुछ दिन के लिए तो चौहान मतलब गोरी ने राज दे दिया, लेकिन बाद में राज वापस ले लिया। तो अंतिम राजा गोविंदराज चौहान बना, और गोविंदराज चौहान को बाद में रणथंभौर भेज दिया। तो ये तो चौहान हो गए पहले, पावन चौहानों के बाद यहां पर कौन आ गई? दिल्ली सल्तनत गोरी 1206 से 1526। बाद में यहां पे दिल्ली सल्तनत गई तो कौन आ गए? मुगल। मुगलों के बाद कौन आ गए? मराठा। और मराठा के बाद कौन आ गए? ब्रिटिश। और बाद में हमने आंदोलन किया और फिर हमारा स्वतंत्र राजस्थान और राजस्थान में मिले। तो ये अजमेर की पूरी हिस्ट्री है, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले यहां पे चौहानों का राज है, चौहानों के बाद दिल्ली सल्तनत का राज है, बाद में यहां पे मुगलों का राज है, मुगलों के बाद मराठाओं का राज है, मराठाओं के बाद ब्रिटिश का राज है, बाद में हम आजादी की लड़ाई लड़ते हैं और फिर हमारा अजमेर स्वतंत्र होता है, राजस्थान में विलय होता है। ये टोटल आपकी पूरी बात आती है। अब मैं बोलूं, सबसे पहले अजयराज ने अजमेर बसाया, अंतिम राजा कौन हो गया? गोविंदराज चौहान। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, तो यहां पे चौहान वंश का देखो क्या क्या काम है। अजय मेरू दुर्ग बनाया तारागढ़, जिसको तारागढ़ बोलते हैं, तारागढ़। अजय मेरू दुर्ग अजय राज ने बनाया था, अजय राज चौहान ने अजय मेरू दुर्ग बनाया था, तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। अन्ना सागर झील है, अन्ना जी ने अर्णोराज ने बनाई थी, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील। वरा मंदिर पुष्कर अभी भी बताइए अर्णोराज का है। हरिकेली नाटक और संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ के है। हरिकेली नाटक किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ। और संस्कृत पाठशाला किसने बनाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। और इसी संस्कृत पाठशाला पे उसने हरिकेली नाटक को मतलब क्या किया था, उत्कीर्ण किया था। और इसी संस्कृत पाठशाला को आगे जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ना तोड़ देगा और इस पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना देगा। तो देखिए गोविंदराज चौहान के सारे चौहानों के सारे बता दिए। चौहानों का अजय मेरू दुर्ग हो गया, अजय मेरू दुर्ग को ही अपन कौन सा बोलते हैं? तारागढ़। अन्ना सागर झील हो गई और बराह मंदिर हो गया, अर्णोराज अन्ना जी के द्वारा बनाया हुआ है, हरिकेली नाटक हो गया और संस्कृत पाठशाला हो गई। संस्कृत पाठशाला और हरिकेली नाटक किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। अब दिल्ली सल्तनत आ जाती है, ध्यान दीजिए। गोरी की सेना के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन हुआ। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में आकर के अपनी दरगाह बनाई अजमेर में। ये किसकी सेना के साथ आया था? गोरी की सेना के साथ। किसकी सेना के साथ? गोरी की सेना के साथ, बिल्कुल क्लियर है क्या? गोरी की सेना के साथ कौन आया था बोलिए? तो गोरी की सेना के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन हुआ था अजमेर। मोइनुद्दीन चिश्ती का आगमन कहां पर हुआ था? अजमेर। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से आया था। कहां से आया था? ईरान से। और यहां पे अजमेर में अपना खानका बनाया था। और उस समय राज किसका था हिंदुस्तान में? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। एक बार आरएस में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब आइए, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, मैंने अभी भी बताया। बोलो 2.5 दिन का झोंपड़ा
संस्कृत पाठशाला, विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला को ढहाकर बनाया गया ढाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, बोलो क्लियर है क्या? यह दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो गई। अब मुगल शासन के बारे में बात कर रहे हैं। अकबर का दुर्ग है, जिसको मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे हथियार रखते थे, हथियार रखते थे, ये कहां पर है? अजमेर। और आपको पता होगा इसी अकबर दुर्ग को आजकल संग्रहालय भी बना रखा है। दौलतबाग या शाहीबाग अजमेर में किसने बनाया? जहांगीर ने। दौलतबाग या शाहीबाग अजमेर ने किसने बनाया? जहांगीर ने। चश्माए नूर तारागढ़, तारागढ़ किले में चश्माए नूर, ये किसने बनाया? जहांगीर ने, ठीक है। और बारादरी दरवाजा अजमेर में किसने बनाया? शाहजहां ने। किसने बनाया? शाहजहां ने। और यहां पर ही दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध जानते हो? मैंने आपको बता देता हूं कि शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब को राज नहीं देना चाहता था, वो औरंगजेब की जगह शाहजहां अपने बेटे दारा सिको को राज देना चाहता था, अतः उत्तराधिकार के रूप में एक युद्ध हुआ। दोराई का युद्ध कहां पर हुआ? अजमेर में, औरंगजेब और दारा सिको के बीच में लड़ा हुआ गया। औरंगजेब और किसके बीच में लड़ा गया था? दारा सिको के बीच में। और इसमें दारा सिको हार गया और औरंगजेब जीत गया। और औरंगजेब इस प्रकार से, औरंगजेब इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब इस प्रकार से आपका क्या है, राजा बन गया। तो दोराई का युद्ध हुआ है। अब मैंने बोला मुगलों की बिल्डिंग बताओ यहां पे कौन कौन सी है। तो अकबर का दुर्ग, अकबर का दुर्ग मैगजीन के नाम से जाना जाता है, अजमेर में है। और मैंने बोला इसी दुर्ग को आजकल संग्रहालय बना दिया। इसी दुर्ग में मेवाड़ मुगलों की संधि हुई थी। इसी दुर्ग में आपका टॉमसरो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली थी। और इसी दुर्ग में जहांगीर का न्याय का घंटा था, ठीक है। दौलतबाग शाहीबाग अजमेर ने, अजमेर में जहांगीर ने बनाया। और यहीं पर जहांगीर का महल है, आरएस महल था। चश्मा नूर तारागढ़ किले में जहांगीर ने बनाया। बारह दरवाजा अजमेर में है और ये बारह दरी दरवाजा शाहजहां ने बनाया। और दोराई का युद्ध दारा सिको और औरंगजेब के बीच में हुआ, जो उत्तराधिकार का युद्ध था, जो दारा सिको ने, औरंगजेब ने जीता। यह आपका किसका हो गया? मुगलों का। बाद में मराठाओं का शासन आता है, मराठाओं का अजमेर पर अधिकार। 1790 में डी बोई सेनापति था, मराठाओं का सेनापति कौन था? डी बोई। मैं वापस बोल रहा हूं, डी बोई 1790 में मराठाओं का सेनापति था। उसने उसके उस समय, मतलब जो तारागढ़ का सेनापति था वो धनराज सिंधी था, तो धनराज सिंधी और उनके बीच में युद्ध हुआ और बाद में इसका यहां पे अधिकार हो गया। 1791 में शिवाजी नाना अजमेर के क्या बने? गवर्नर। और यहाँ के जो मराठाओं का एक व्यक्ति था, लखवादा था, वो भी फेमस है, उसकी यहाँ पे समाधि भी बनी हुई है। और बाद में दौलतराव सिंधिया ने अजमेर को अंग्रेजों को बेच दिया। किसको बेच दिया? अजमेर को अंग्रेजों को बेच दिया। इस प्रकार से ब्रिटिश शासन के अंडर में आ गया। तो मैंने बोला मराठाओं पर अधिकार, मराठाओं का अजमेर पर अधिकार किसने किया था? तो मराठाओं का सेनापति कौन था? डी बोई। और उसका सामना उस समय तारागढ़ में सेनापति कौन था? धनराज सिंधी ने किया। और शिवाजी नाना अजमेर का गवर्नर था, वो अजमेर का गवर्नर बनाया गया। और लखवा दादा भी यहाँ का प्रसिद्ध व्यक्ति था, कौन था? यह भी मराठाओं का था, जिसकी यहाँ पे समाधि है। और दौलतराव सिंधिया ने अजमेर को अंग्रेजों को भेज दिया, ठीक है। अब आप आइए ब्रिटिश शासन और अजमेर क्या हुआ, तो ये भी आपको बता रहे हैं, ब्रिटिश शासन और अजमेर। 25 जून 1818 को संधि द्वारा दौलतराव सिंधिया ने अजमेर अंग्रेजों को सौंप दिया। 1818 में दौलतराव सिंधिया ने अजमेर अंग्रेजों को सौंप दिया। अजमेर किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास। मेरवाड़ा एक क्षेत्र और था, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा उस समय एक तो अजमेर के अंडर में था, एक मेवाड़ के अंडर में था और एक मारवाड़ के अंडर में था। तो मेरवाड़ा को अंग्रेजों ने मारवाड़ और मेवाड़ से संधि करके प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन आ गया। मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं एक बार, दौलतराव सिंधिया से संधि करके अंग्रेजों ने 1818 में अजमेर किससे ले लिया? दौलतराव सिंधिया से ले लिया। और मेरवाड़ा किसके अंडर में था? मेवाड़ और मारवाड़, उससे संधि करके उन्होंने मेरवाड़ा भी प्राप्त कर लिया। अतः मेवाड़ और अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र दोनों अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार में आ गया। अतः उन्होंने अपना मुख्यालय कहां पर बनाया? अजमेर में। पहला सरकारी अंग्रेजी स्कूल कहां पर खोला गया? अजमेर में। मेयो कॉलेज जो बड़े बड़े एलाइट वर्ग के लिए था, तो वो कहां पर खोला गया? अजमेर। और कर्नल टोड का बंगला भी इन्होंने कहां पर खोला? अजमेर। कर्नल टोड का बंगला कहां पर था? अजमेर। इस प्रकार से अजमेर पूरा का पूरा क्या हो गया? किसका हो गया? बोलो, अजमेर पूरा का पूरा किसका हो गया? अंग्रेजों का।
बाद में 1857 की क्रांति हुई। पहला विद्रोह नसीराबाद छावनी में हुआ, पहला विद्रोह नसीराबाद छावनी में हुआ। आपको बताया टोटल छावनी आपकी छह थी, टोटल छावनी कितनी थी, छह। पहली छावनी आपकी नसीराबाद, दूसरी ब्यावर अजमेर और नसीराबाद और कौन सी होगी अजमेर, एक आपकी तीसरी आपकी कौन सी नीमच और चौथी कौन सी देवली टोंक, एक खेरवाड़ा और एक एरनपुरा, ये टोटल छावनी थी। तो पहला जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो नसीराबाद छावनी में अजमेर में हुआ और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यह विद्रोह किया, ठीक है। और आपको बताया आजादी का जो केंद्र था वो कौन सा था, स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र कौन था, ब्यावर अजमेर। कैसे बोलो, अजमेर अंग्रेजों का मुख्यालय था तो अजमेर का पड़ोसी कौन सा हो गया, ब्यावर। तो ब्यावर में अपना क्रांतिकारियों ने अपना मुख्यालय बनाया। तो यहां के प्रमुख क्रांतिकारी एक तो ज्वाला प्रसाद थे, कौन थे, ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद ने एसपी डोगरा को मार दिया था, पीएन डोगरा कांड फेमस है यहां का। प्रमुख गांधीवादी नेता हरिभा उपाध्याय जिसने अजमेर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था, ओडम्बूर पत्रिका निकाली और महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना की। ओडम्बूर पिछली बार आरएस में आया, ओडम्बूर पत्रिका किसकी थी, तो ये हरिभा उपाध्याय यहां के क्या हो गए, नेता हो गए। अब आइए स्वतंत्र अजमेर, अजमेर स्वतंत्र हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो राजस्थान का प्रधानमंत्री तो बना था हीरालाल शास्त्री और अजमेर स्वतंत्र का बना था हरिभा उपाध्याय। बाद में 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में क्या हो गया, विलय। और 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी, तब अजमेर संभाग बना था 87 में। कब बना था, 87 में अजमेर संभाग बना था। और जिला कब बन गया, 56 में बन गया, 56 में जिला बन गया। इस प्रकार से आप दोस्तों देख सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ब्रिटिश शासन में दौलत राव सिंधिया से 1818 की संधि के द्वारा, 1818 की संधि के द्वारा अजमेर उनको प्राप्त हुआ। बाद में मेरवाड़ा उन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ से ले लिया, मेवाड़ और मारवाड़ से। अतः मेवाड़ और मारवाड़ा, मेरवाड़ा और अजमेर किसका हो गया, अंग्रेजों का, जिनका मुख्यालय कहां पे था, अजमेर। पहला सरकारी स्कूल उन्होंने कहां पे खोला, अजमेर। एलिट वर्क के लिए मेयो कॉलेज कहां पे खोला, अजमेर। कर्नल टोड का बंगला कहां पर, अजमेर। 1857 की जो क्रांति हुई वो पहली कहां पर हुई, नसीराबाद छावनी में। किसने की थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो ब्यावर। और अजमेर के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो ज्वाला प्रसाद, और ज्वाला प्रसाद से जुड़ा हुआ कौन सा कांड है, डोगरा कांड। प्रमुख गांधीवादी नेता था वो हरिभा उपाध्याय, जो अजमेर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था, ओडम्बूर पत्रिका निकालता था और महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना करी, ठीक है। अब आइए उसके बाद स्वतंत्र अजमेर का प्रधानमंत्री भी कौन बना, हरिभा उपाध्याय। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ और अजमेर एक नया जिला बना और 87 में यह संभाग बना। 87 में क्या बना, संभाग। यह टोटल आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दोस्तों, पूरा का पूरा आ जाता है। अब भौगोलिक परिदृश्य आपको बता दिया, भौगोलिक के बाद आप आगे आते हो तो सांस्कृतिक परिदृश्य इसका आगे हो रहा है। देखिए अब इसको भी मैंने बहुत ढंग से बताया, प्रमुख स्थान और संस्कृति, प्रमुख स्थान और संस्कृति। किशनगढ़ इसका प्रमुख स्थान है, किशनगढ़ में चरी नृत्य होता है, कौन सा नृत्य होता है, चरी। गुर्जर महिलाएं सर पर चरी लेकर, चरी मतलब घड़ा मटका लेकर के, और नृत्य करती हैं, वो कौन सा नृत्य है, चरी। कौन सा नृत्य है, चरी। और इसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकुबाई, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फलकुबाई, प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकुबाई है। बोलो किशनगढ़ का कौन सा नृत्य फेमस है, चरी नृत्य। चरी नृत्य कौन करती है, तो गुर्जर महिलाएं सर पर चरी लेकर के नृत्य करती हैं और यह नृत्य की नृत्यांगना कौन है, फलकुबाई। प्रमुख एक आप आइए, किशनगढ़ मार्बल नगरी है, यहां पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मार्बल की, और एशिया का सबसे बड़ा मार्बलिस्ट जो है वह आरके मार्बल है, कौन है, आरके मार्बल, बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पे निम्बार्काचार्य की पीठ है, निम्बार्काचार्य की पीठ है, ध्यान दीजिएगा, निम्बार्काचार्य की पीठ है यहां पे। निम्बार्काचार्य की पीठ कहां पर है, सलेमाबाद किशनगढ़। और राधाष्टमी मेला लगता है यहां पे, भादवे की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, क्योंकि निम्बार्काचार्य राधा कृष्ण के द्वैत को मानते हैं, राधा कृष्ण का द्वैत, भाई उनका जो मत है वो है द्वैतवाद, मतलब भेदा भेद, कि आपको राधा और कृष्ण में भेद नजर आता है लेकिन भेद नहीं है। तो ये सलेमाबाद किशनगढ़ में है, राधाष्टमी का मेला लगता है। यहीं पे मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र, आपको बताया था मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र, मोटा राजा उदय सिंह जो कौन सा, मारवाड़ का है,
मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह था और जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार करी थी, उसका पुत्र था किशन सिंह और किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया था। अतः राठौड़ों का ये कौन सा केंद्र बन गया? तीसरा बोलो। राठौड़ों का पहला केंद्र जोधपुर, जोधा ने बसाया। जोधा का बेटा कौन था? बीका, बीका ने बीकानेर बसाया। और मोटा राजा उदय सिंह का बेटा कौन था? किशन सिंह, उसने किशनगढ़ बसाया। अतः किशनगढ़ का संस्थापक कौन है? किशन सिंह 1609 में। और अंतिम राजा कौन है? सुमेर सिंह। यहां का प्रसिद्ध राजा कौन है? तो नागरीदास सावंत सिंह। और सावंत सिंह का जो चित्र है वो बनी ठनी, जिसको भारत की क्या बोलते हैं, मोनालिसा, और निहालचंद इसका और मौरध्वज चित्रकार है। निहालचंद और मौरध्वज क्या है? चित्रकार बनी ठनी का। ये टोटल आपकी बात आ गई। अब आया राजस्थान संघ में इसका विलय हुआ। राजस्थान संघ में इसका क्या हुआ? विलय 25 मार्च को विलय हुआ और 9 रियासतें इसमें शामिल हुई थी। कितनी रियासतें शामिल हुई थी? 9 रियासतें इसमें शामिल हुई थी। आपको बता दिया था हमने, 3-4 बार बता दिया, डूंग कोटा बूंदी झालावाड़, 3 तो ये, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ 6, 3, 6, बाद में शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा बताया था भीलवाड़ा, बाद में आपका टोंक भी बता दिया, और एक आपका किशनगढ़। तो ये उसमें 9 रियासतों में शामिल हुआ था, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका देखो किशनगढ़ के बारे में, किसके बारे में? किशनगढ़। अब आया केकड़ी। केकड़ी अजमेर में भवाई नृत्य फेमस है। कौन सा? भवाई। भवाई नृत्य का जनक है बागाजी जाट। भवाई नृत्य का जनक है। सिर पर अनेक घड़े रखकर, पैरों में कांच है और सिर पर घड़े हैं, मुंह में तलवार है, ऐसे आपका शारीरिक कलाबाजियों से जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? भवाई। और भवाई नृत्य का जो जनक है वो बागाजी जाट है और जन्म स्थान है वो केकड़ी है। और प्रसिद्ध नृत्यकार हैं रूप सिंह शेखावत है, अस्मिता काला है और सांगीलाल सांगड़िया है। रूप सिंह शेखावत का के नाम से ही रूपायन संस्थान बढ़ा है, जो बताया था आपको। अस्मिता काला ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और सांगीलाल सांगड़िया है। ये केकड़ी के बारे में बात आ रही है। इधर तिलोनिया अजमेर में है, SWRC है यहाँ पे, सोशल वर्क रिसर्च सेंटर। बोलो क्लियर है क्या? सामाजिक कार्य शोध संस्थान है। यहीं पर अरुणा राय के पति का जो संस्थान है बेयरफुट कॉलेज। कौन सा? बेयरफुट कॉलेज। और बेयरफुट कॉलेज मतलब ग्रामीणों को आधुनिक कार्यों से जोड़ता है और यह पेचवर्क के लिए भी फेमस है। ठीक है। ब्यावर में आ जाइए, ब्यावर में बादशाह की सवारी, अकबर बादशाह की सवारी निकलती है और वहां पर मेला भी लगता है चैत्र कृष्ण एकम। धुलंडी वाला दिन हो गया और चैत्र कृष्ण एकम गणगौर की शुरुआत वाला दिन हो गया और उसी दिन बादशाह की सवारी निकलती है और बादशाह मेला ब्यावर में लगता है। और मैंने बोला इसी दिन आपका शाहपुरा पढ़ के आए हो आप, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में आपका राम स्नेही संप्रदाय का फूलढोल महोत्सव होता है। ब्यावर स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था। कपड़ा मिल पहली ब्यावर में बनी, सीमेंट फैक्ट्री ब्यावर में है, सनातन धर्म कॉलेज है वहां पे, होम रूल की शाखा है और तिलपट्टी उद्योग भी कहां का है? ब्यावर का फेमस है। तिलपट्टी, तिल की पट्टी जो खाते हैं, तो तिलपट्टी उद्योग भी फेमस है। और सूचना के अधिकार की शुरुआत भी कहां से हुई ब्यावर में? बोलो क्लियर है क्या? नसीराबाद आ जाइए। नसीराबाद पहली और एकमात्र सैनिक छावनी है। पहली और एकमात्र सैनिक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। राजस्थान में पहली छावनी, सैनिक छावनी कौन सी बनी थी? नसीराबाद। और पहला विद्रोह भी कहां पर हुआ था? नसीराबाद। और वर्तमान में सैनिक छावनी भी कहां पर है? नसीराबाद। मैंने क्या बोला? पहला विद्रोह भी नसीराबाद। और कचोरा के लिए, बड़े बड़े कचोरा होते हैं उनके लिए, खाने के कचोरा होते हैं उनके लिए फेमस है। और सरवाड़ में फखरुद्दीन की दरगाह है। फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? सरवाड़ में। बिनाय में पहली ग्राम सभा सहकारी समिति है। रूपनगढ़ में एग्रो फूड पार्क है, एग्रो आरएस में आया। और शिलोरा में अपैरल पार्क है। एक बार मेरी गुजारिश है कि आप ना एक बार समझ के देखिए, पेपर मिला के देखो, आरएस से लेकर सब पेपर मिला लो, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। सागर सिंह आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप अपने नंबर और फोटो वगैरह हमारे को भेजिएगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखे अब मैंने क्या बोला, सारे क्वेश्चन। तो सिलोरा में कौन सा पार्क बन रहा है? अपेरल पार्क को वस्त्र पार्क बोलते हैं। रूपनगढ़ में एग्रो फूड पार्क बन रहा है। भिनाय में प्रथम ग्राम सेवा सहकारी समिति। सरवाड़ में फखरुद्दीन की क्या है? दरगाह। नसीराबाद में
एक पहली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद, ठीक है, और सैन्य छावनी भी कौन सी थी? नसीराबाद। और पहली क्रांति कहां पर हुई थी? नसीराबाद। कचोरा के लिए प्रसिद्ध कौन से? नसीराबाद। ब्यावर में बता दिया, और एक आपका किशनगढ़ तिलोनिया में, किशनगढ़ में बता दिया। ये हो गए सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, आ जाइए धार्मिक क्या है। कल्पवृक्ष मेला लगता है यहां पे। कौन सा मेला लगता है? कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष जो हमारे प्राचीन काल में सबसे बढ़िया पेड़ माना जाता है, कल्पवृक्ष वहां पे 800 साल पुराना कल्पवृक्ष है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को यह मेला लगता है। आंतेड़ की छत्रियां यहां पे, आंतेड़, आंतेड़ दिगंबर जैन संप्रदाय की छत्रियों के लिए फेमस है, दिगंबर जैन संप्रदाय की छत्रियों के लिए फेमस है। यहां पर सोने जी की नसिया भी है जो सोने से अलंकृत है, और ऋषभ देव की मूर्ति है वहां पे जो मूलचंद सोनी ने बनाई थी। मूलचंद है सोनी, सोनी जी की नसिया किसके द्वारा निर्मित है? मूलचंद सोनी, और यहां पे ऋषभ देव की मूर्ति है। तेजा जी का थान है यहां पे, तेजा जी का। देखो पनेर, पनेर कहां पर है? अजमेर। पनेर कहां पर है? अजमेर। ये तेजा जी का ससुराल था, जहां पेमल उसकी पत्नी थी, जो तेजा जी की क्या थी? पत्नी। और सुरसरा अजमेर में तेजा जी को सर्प दंश किया था। इसके अलावा तेजा जी के स्थान है सेंदरिया, भावता और ब्यावर। अब आप याद करवा देता हूं, तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ, पीछे नागौर बताया, खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ, इसलिए उसको पवित्र स्थान बोलते हैं। और पर्वत से नागौर में तेजाजी का मेला लगता है। पनेर में तेजाजी का ससुराल था, पेमल उनकी पत्नी थी, सुरसरा गांव में उनको सांप ने दंश किया था, और बाकी सेंदरिया, भावता, यह भी तेजाजी के स्थान है। मोइनुद्दीन चिश्ती, मैंने आपको बताया था, गोरी के साथ, गोरी की सेना के साथ ईरान से इंडिया आया था, ईरान से इंडिया आया था। गोरी ने इसको सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी, सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी, सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी गोरी ने, ठीक है। और उस समय पृथ्वीराज चौहान का राज था, पृथ्वीराज चौहान त्राइन के युद्ध में हार गया, तो गोरी भी यहां रह गया और मोइनुद्दीन चिश्ती भी यहां रह गया। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का स्थान कौन सा? जन्म स्थान ईरान। गोरी के साथ भारत आया। खानका कहां पर हो गया? अजमेर। खानका मतलब उनका मुख्य पीठ। उर्स कब लगता है? मेला कब लगता है? 106 रजब को। गुरु इनका कौन था? हजरत शेख उस्मान हारूनी, हजरत शेख उस्मान हारूनी। और दरगाह का निर्माण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसका दरगाह का क्या किया? निर्माण। यह मोइनुद्दीन चिश्ती है। पुष्कर, पुष्कर मेला बताई दिया। कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन का प्रणेता था ना, उसका भी पुष्कर में क्या हुआ? जन्म। लेकिन उसका आश्रम कहां पर है? कोलायत, बीकानेर। कोलायत, बीकानेर। अब ध्यान दीजिएगा, पुष्कर में कपिल मुनि का जन्म हुआ, इसलिए कपिल मुनि का मेला जो है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है, पुष्कर का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ब्यावर, बादशाह मेला चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को बादशाह मेला की शुरुआत हुई, बादशाह मेला मला लगता है, बता दिया। आगीबाण, जयनारायण व्यास की पत्रिका थी आगीबाण, जिसका प्रकाशन ब्यावर से ही हुआ था। सूचना के अधिकार की शुरुआत 96 में अरुणा राय के प्रयासों से कहां से शुरू हुई थी? ब्यावर। यह टोटलाप की बात है। प्रमुख स्थान देखिए, अब और बता रहा हूं, किशनगढ़ में इंटोर और भी चीज बता रहे हो। अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर शुरू हुआ है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर शुरू हुआ है, यानी डबल मंजिल, वो जो मालगाड़ी है जो आपका बेसिकली आपकी कंटेनर लेके जाती है, वो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर शुरू हुआ है न्यू रेवाड़ी हरियाणा से न्यू मदार किशनगढ़ तक, न्यू मदार किशनगढ़। ये कुल 306 किलोमीटर का है, जिसमें 789 किलोमीटर तो आपका कहां पर है? हरियाणा में, और 227 किलोमीटर अपने राजस्थान में। और राजस्थान में कौन कौन से जिलों में? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और अजमेर। और अजमेर का किशनगढ़, किशनगढ़ में कौन सा? न्यू मदार। तो इसको मैंने जोड़ दिया दोस्तों, वापस बोल रहा हूं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की शुरुआत अभी 2021 में हुई है। यह न्यू रेवाड़ी हरियाणा से कहां से आएगा? न्यू मदार। न्यू मदार कहां पर है? किशनगढ़। कुल कितने किलोमीटर? 306 किलोमीटर। और 79 किलोमीटर किसमें? हरियाणा में। और 227 किलोमीटर किसमें है? न्यू मदार यानी राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन सा जिला आ गया? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और अजमेर। और अजमेर का कौन सा आ गया? किशनगढ़। केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका बांदर सिंदरी में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एकमात्र कहां पर है? किशनगढ़, बांदर सिंदरी। किशनगढ़ का एयरपोर्ट है और इनलैंड कंटेनर डिपो भी है, कंटेनर, कंटेनर डिपो आपका किशनगढ़ में है, समझ गए? ये आपका टोटल आ गया। अजमेर में किस चीज के मुख्यालय है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग घोगरा घाटी अजमेर में है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में हुई, यह आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। राजस्व मंडल का 1949 में बना, राजस्व मंडल कौन है? 1949 में। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1957 में बना, अजमेर में है। बकरी चारा और बकरी
अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहां पर है बोलो, तो ये आपका अजमेर में है, और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है विकानगर में बताया था, शिरोई नस्ल की प्रजनन होता है, और राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है, राजस्थान एथलेटिक संघ का मुख्यालय अजमेर में है, राजस्थान बैडमिंटन संघ का मुख्यालय अजमेर में है, राजस्थान बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय अजमेर में है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी कहां पर है अजमेर में है, और अजमेर को जो चार हमारे स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं जयपुर अजमेर कोटा उदयपुर उसमें शामिल है, और हमारे सात नगर निगम है उसमें अजमेर शामिल है, और वुलन कॉम्प्लेक्स भी कहां पर है अजमेर। ये दोस्तों सारी चीज आ गई अजमेर के ऊपर। व्यक्तित्व देखिए यहां के, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसा स्वामी विवेकानंद नहीं, दयानंद गलत लिखा गया, स्वामी दयानंद की कार्यस्थली है, स्वामी दयानंद की क्या है कार्यस्थली, आपको पता स्वामी दयानंद ने यहीं पर रहकर कार्य किया और इनकी मृत्यु भी यहीं पर हुआ, एक वेश्य थी जान उसने इनको जहर दे दिया था, तो मृत्यु स्थल भी यही है और उनका कार्यस्थल भी यही है, इसलिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहां पर है अजमेर में, डीएवी कॉलेज कहां पर है अजमेर में, और दयानंद सरस्वती का स्मारक भी कहां पर है अजमेर में, ठीक है। अब इनके शिष्य थे हरविलास सारदा, हरविलास सारदा, हरविलास सारदा इनके शिष्य थे, ध्यान दीजिए ये सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासविद रहे हैं, दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम बना 1929 में, जिसको सारदा कानून के नाम से जाना जाता है, और विवाह की आयु निर्धारित हुई थी, सुन लो 14-18, यहां पे भी गलत लिखा गया क्योंकि 18-21 तो 78 में हुई है, विवाह की आयु 1921 1978 में, तो ये शारदा के माध्यम से, किसके माध्यम से शारदा, ठीक है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे, आपको पता है हमारे पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल बनी उसके मैनेजर थे, और उसमें पैसे देने वाले तो कौन थे आपके दामोदर दास राठी, लेकिन मैनेजर कौन थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और अजमेर नगर परिषद के पहले सभापति थे, और यह मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में पहली नगर पालिका तो माउंट आबू थी, लेकिन नगर परिषद कौन सी थी अजमेर थी, यह आपकी बात आ गई श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, ठीक है। अगली बात दामोदर दास राठी जैसलमेर के थे, दामोदर दास राठी मूलतः जैसलमेर के थे, मूलतः किसके थे जैसलमेर के। अब आइए दयानंद सरस्वती और अरविंद के विचारों से प्रभावित थे, और स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में जो भी पैसा लगता था वो देते थे, कृष्णा मिल की स्थापना की इसने 1889 में सनातन धर्म कॉलेज ब्यावर में बनाया। एक थे गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरवा ने राजस्थान में वीर भारत सभा बनाई, कौन सी सभा बनाई वीर भारत सभा बनाई, और जो वीर भारत सभा जो देश में अभिनव भारत भारत था, अभिनव भारत आपका किसका दामोदर सावरकर का जो अभिनव भारत था उसकी शाखा कौन सी थी वीर भारत सभा, जो केसरी सिंह भारत और गोपाल सिंह भारत ने, गोपाल सिंह खरवा ने मिलकर बनाई थी, कहां पर 1910 में। यह क्रांतिकारी और राजाओं के मध्य सेतु का काम करती थी। रास बिहारी बोस के निर्देशन में भूप सिंह, जिसको आप क्या कहते हो विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक और खरवा ने यहां पर सशस्त्र क्रांति की, और जिसमें वो गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होकर उनको टाटगढ़ किले में नजरबंद रखा था, और इसी टाटगढ़ किले से भूप सिंह भाग गया था, तब उसने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था, विजय सिंह पथिक रख लिया था। तो दोस्तों ये गोपाल सिंह खरवा हैं, गोपाल सिंह खरवा आगे दामोदर दास राठी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरविलास सारदा और स्वामी दयानंद, और ये आपके मैंने बता दिया अजमेर में मुख्यालय आ गए, और किशनगढ़ के बारे में विशेष बात आ गई, और ये सारे के सारे मैंने धर्म स्थान बता दिए, और ये सारे के सारे प्रमुख नाम बता दिए। तो दोस्तों मैंने अजमेर पे काफी मेहनत की, आप सहयोग दोगे तो मेहनत करेंगे, एक क्वेश्चन आरएस से लेकर के नीचे तक की परीक्षा का एक क्वेश्चन बाकी नहीं बचेगा, लेकिन थोड़ा संयम रखो, एक एक दिन तो दो कम से कम, एक एक दिन तैयारी तो करो, खुद भी मेहनत करो थोड़ी। तो दोस्तों अब आप कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और मेरे सामने आ सकते हैं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें आगे बढ़ाएं। कल हम अजमेर पूरा हो गया है, अजमेर के चार जिले हमने बताए, एक तो आपको भीलवाड़ा बताया, एक टोंक बताया, एक नागौर बताया और एक खुद अजमेर बता दिया। अब अजमेर संभाग हम कल बताएंगे और फिर परसों आपका नया जिला लेंगे। अभय कुमार, थैंक यू सर।
जी आज तो मजा आ गया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भन्य सिंह जाटव, थैंक यू शिवांगी अतुलनीय क्लास, थैंक यू शिवांगी, तेरी तबियत ठीक है? मयंक गौतम इष्ट हो या वेस्ट वाई सिंह सबसे, मयंक वो भाई का क्या हुआ बताया था तो मेरे को फोन करना। ज्यारा पिशिता सर, अर्जुन लाल सेट्टी का भी कर्म स्थली अजमेर थी ना? अजमेर नहीं थी, अर्जुन लाल सेट्टी की कोटा थी, जन्म उसका सापुरा। दीपक मीणा सर, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ऐप पर मिलेगी, ऐप पर। और कुमार संदेश सर, मैंने आज आपके राजस्थान जीके की ऑफलाइन क्लास पढ़ी, आप बहुत अच्छा, थैंक यू। सुमन बेरवा सर जी, आप हमारे लिए निस्वार्थ भाव से जिला दर्शन इतनी मेहनत, थैंक यू। कुसुम परेटा, थैंक यू सो मच, आपकी सच में बहुत अच्छी मेहनत है, थैंक यू। रश्मा रचना शर्मा, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं और लगातार चलते रहे। कल हमारा अजमेर संभाग होगा, अजमेर संभाग। रचना शर्मा थैंक यू, मयंक गौतम कोरोना, आप बात करना एक बार मेरे से। नरेंद्र शर्मा सर, डिस्ट्रिक्ट की आकृति किस समान है बताएं, बता देंगे। कमलेश मार्शल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बताने में, लेकिन मैंने कहा कि बिल्कुल ज्यादा लोड भी न ले। कमलेश मार्शल थैंक यू। नरेंद्र शर्मा, डिस्ट्रिक्ट की आकृति बता दिया। दीपक बाकोलिया सर, ऑफलाइन जैसी क्लास लगती है आपकी, थैंक यू। राधा कुमारी थैंक यू। मनोज कुमार सैनी थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन। शिवांगी सर जी, क्लास में टाइम का बेस्ट यूज होता है, हम सदा ऐसे ही पढ़ते रहें, थैंक यू शिवादिंग, कॉलेज के लिए लगी रहे, कॉलेज को छोड़ना नहीं है। लक्ष्मीकांत मीना गुड मॉर्निंग, परशुराम वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कल हम वापस अपने 8 बजे करंट के साथ और 9 बजे जिला दर्शन के साथ मिलेंगे, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और आपका दिन मंगलमय हो। जुबली थैंक यू, आशा बकोरिया बेस्ट, कृष्णा नवारिया थैंक यू सो मच सर, क्लास पढ़ाने के लिए और दर्शन भी हो गए। आशा बकोरिया बेस्ट, हरपूल सिंह, नरेंद्र मीना, जयर पिशिता, हमने भी कर्म स्थली अजमेरी है, पीडीएफ थी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपका अभिनंदन।